रविवार को गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए। मोदीपुर में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं सभी संबंधित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए तत्काल एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इन रिपोर्ट के बाद संबंधित क्षेत्रों में हड़कंप की स्थिति है। साथ ही SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर मोदीपुर स्थित रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज मोहद्दीपुर गोरखपुर में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उस एरिया को कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट एरिया बनाकर आने वाले व्यक्तियों पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं मोहद्दीपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव युवक के साथी को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नंदा नगर स्थित TV अस्पताल में बने क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया। इस संबंध में फोन पर जानकारी देते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि सदर तहसील में अब कुल 12 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। होम डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न सहित अन्य सामग्री होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। इस संबंध में दूरभाष के जरिए गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, सरियों ने बताया है आपके परिवार को भी किसी को उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला है कि रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज, आप जो लोग रह रहे हैं अंदर भाई अलग अलग रूमों में रहे, और जो कल आए थे वो अपना रूम अलग कर लें, जो कल 3-4 लोग जो आए थे वो अपना रूम अलग कर लें। यहाँ पर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला है, आप अपना रूम अलग कर लें, जो कल यहाँ पे आए हैं वो अलग रूम कर लें। ये इलाका 250 मीटर तक सील किया जाएगा, कंटेनमेंट बनाया जाएगा इसको। आप लोगों के सभी के टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट जो लिया जाएगा आप सभी लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, और टेस्ट में जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा, जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक आपको यहीं रहना है। ये पूरे इलाके को सील किया जाएगा 250 मीटर तक, और जो बगल में कैंट सर एक बगल में आज थाना कैंट अंतर्गत मोदीपुर में रफी अहमद किदवई कॉलेज में एक रात को कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला है। इस पूरे इलाके को हमें 250 मीटर इलाके को कंटेनमेंट घोषित करते हुए सील कर दिया है और 250 मीटर बफर जोन बनाया है। इसमें फिर से जो आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कराई जाएगी। आज इसका सैनिटाइजेशन काम भी कराया गया है, सुबह शाम इसका सैनिटाइजेशन वर्क होगा। आज दिन में इसको सील करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, चौकी प्रभारी पेडलेगंज भी उपस्थित थे, उनको बताया गया कि सिंगल एंट्री एग्जिट रखना है, जितने भी मूवमेंट है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, और हॉटस्पॉट के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी बताया गया। सदर तहसील पर हमारा ये 12वां हॉटस्पॉट बना है। ये सबसे पहले हमारा थाना गोरखनाथ में रसूलपुर हुआ, उसके बाद झन्ना टोला थाना शाहपुर अंतर्गत, फिर थाना कैंट अंतर्गत रजई, फिर चुलुआ ताल में हमारे 2 हुए, नवापार और परमेश्वरपुर, पिपराइच में 3 हो गए, गांव रिठिया पिपराइच में और महाराजी और उसका, उसके बाद फिर आज बेलीपार में भी, गुलरिया थाने में भी एक हुआ बेलियापार, और आज फिर मोदीपुर में, और थाना कैंट में हमारा बेतीहाता और मोदीपुर, तो टोटल मिला के हमारे 12 कंटेनमेंट हो गए। हाँ, ये इसमें ऑनलाइन भी रहेगा, और हमने सभी क्षेत्र के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं, किराना की शॉप्स हैं, फल सब्जी दूध विक्रेता हैं, सबकी हमने लिस्ट बनवा ली है लोकल लेवल पे, और वहाँ चस्पा करवा दी है, तो वहाँ पे आप फोन के माध्यम से आप मतलब डिलीवरी मंगा सकते हैं कोई भी सामान आवश्यक जो है, ताकि आप लोगों का ये है कि 14 दिन तक हम उनको घर से बाहर ना निकलने दें, तो हमें सारी सुविधाएं घरों तक पहुंचानी पड़ेगी। इसके लिए हमने सारी शॉप्स जितनी भी दुकानें हैं आसपास की सबको मैप कराते हुए सबकी लिस्ट चस्पा करवा दी है, किसी को कोई भी सामान चाहिए फोन के माध्यम से अपने घर पे ही प्राप्त कर सकता है।